अगर माधव सिंह ने प्रॉपर ने टिकट मिल जाता सर, माधव सिंह जी जीत लो दादा सिक्कर में राख पा के लिए ही माधव सिंह दोबारा जीते। फर्क पड़े लोगे सारो ही फर्क पड़ गया, मेल को दिया था मैंने। और किन दिया पिछली बार? बीजेपी ने, बीजेपी ने। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह दोस्तों, आप देख रहे हैं राज न्यूज के डेल दोस्तों। अभी मैं पहुंचा हूं खंडेला विधानसभा क्षेत्र के चोकड़ी गांव में और आज चोकड़ी ग्राम पंचायत की चुनावी चर्चा करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, इनके मन को टटोलना चाहेंगे। अब विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बच रहा है, क्या है हवा दवा, किसकी तरफ रुझान रहने वाला है, कि बात कर रहा हूं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में उनका सबसे ज़्यादा वोट रहा विधायक माधव सिंह जी का, माधव सिंह जी का। अब की बार कहीं स्थिति रहे बोली आपके भी ज्यादा यथावत सी रही, बाकी रही ज्यादा बहुत बदल हो सके तो ज्यादा बाकी रहला। दूसरा स्थान पर कौन सा कैंडिडेट? दूसरा बंसी जी रहला। और फिर तीसरा पर सुभाष मिल, सुभाष मिल थका गांव का भी वीडियो देखेंगे। हाँ देखो अपने बात तीन को ज्यादा छे बंसी जी पर है जी। 5 साल में विकास कार्य भी है पुनी अठे तक काम तो यही जी काम है जी। स्कूल भी इंग्लिश महात्मा गांधी स्कूल हुई है, रोड भी है, टंकी भी है, दाणी मालियाल में अब और भी एक रोड पास हुई है। काम तो करा है जी। हां बात करा कांग्रेस ने हर बार वोट दिया जो या माधव सिंह जी ने दे होते वोट? नहीं साहब देखो कांग्रेस ने भी दिया से और अड़े व्यक्ति विशेष एक मतलब माधव सिंह की जा सभी जन भी प्रति लोगों को रुझान से तो थाका जो ये जो क्षेत्र है इन्हें नीम का थाना में कौन जोड़े गए हो सिक्कर में राख दिए गए हो तो विश्व क्यों फर्क पड़ेगा क्या? नहीं कोई खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगा वोट जी जी जाए माधव सिंह जी का और बंसी जी का ज्यादा वोट छ। अच्छा अच्छा दो के टक्कर छ। कुछ यहाँ हवा बन रही है कि भाई जो गाँव ने जोड़ बस विरोध देखे जाए? नहीं कोई हो बीच में अपन आप साइलेंट हो गए सब। अच्छा वोट बैंक जिन्हें भी माधव सिंह जी दिवांगा अभी नहीं मिले ली क्योंकि व्यक्तिगत वोट से मांगा तो जी लोगों से जुड़ा हुआ है। सुबह जी कांग्रेस तो बंद था वोट मिला थे वोट बंसी जी मान बरोबर ही मिला था 1139 ऐसी मिला था दुनिया में। अरे इन 103 वोट ज्यादा मिले माधव 103 वोट ज्यादा मतलब यहाँ बात करा यो थारे हिसाब से तो यहाँ बता दीजिए माधव सिंह जी का वोट ज्यादा है कहीं सही है गलत है? ठीक है भाई ठीक है करेंगे। एक चाय की दुकान है उसके पास में ही कुछ लोग हैं जो बैठे हैं। जान राम राम जी कौन सा गांव का जो मैं चौकड़ी है चौकड़ी का जो चुनाव ही कहीं वादा है चुनाव में अगर माधव सिंह ने प्रॉपर ने टिकट मिल जाएगी ना तो वो जीते पूरी ग्राम पंचायत की थे बने वोट दे देना ही खेरे दो मैं तो बिन वोट दूं और ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का सही स्थिति ग्राम पंचायत में माधव सिंह भी अब जागो है सबसे ज्यादा कौन सा ले जाए वोट माधव सिंह सेकंड नंबर मिल तीसरा नंबर बंसी बात क्यों साहब खेले भी बात में दम है के सारे दम पड़े थे तो आएंगे क्यों थे भी सहमत हो गए सारा ही हमें तो सारा ही जो आएंगे सारा बात था रहे जी। हां बात करा था कि ग्राम पंचायत में कुल कत्ता वोट है और कौन सा कैंडिडेट का ज्यादा वोट 6500 से तेरा जी माधव सिंह जी का ज्यादा से माधव सिंह जी जीत लो तो क्यों फर्क पड़ लोगे भी सो है फर्क पड़े लोगे पड़े तो जी पिछली बार कता वोट मिले वाने थे सो पिछली बार के नाम जिन 1184 वोट मिले पिछली बार। अच्छा अब की बार 784 मिलेगा 400 कम हो चुके हैं बाकी ये मान सही बात है सही बात है कोनी ते पिछली बार किन दिया वोट वोट पिछली बार भी ने दिया था मेल को दिया था मैंने और मेल को ही देंगे जणाई कर अच्छा गांव का होगे ये गांव का या ये गांव का हां कई साहब सुजी यहां विधानसभा चुनाव में थारी ग्राम पंचायत कहीं से माधव सिंह जी कंडेला माधव सिंह माधव सिंह जी जितना बढ़िया उम्मीदवार यहाँ कोई नहीं है कि भाई नीम का थाना जिला में कौन जोड़ा जाना मतलब भी से कोई फर्क कौन पड़ा कुछ भी कोई फर्क कौन पड़ा है ना पूछो आज तक सिक्कर सारा काम हो जाएगा और सब कुछ काम हो जाएंगे यहाँ। अच्छा अच्छा सिक्कर में आज तक पे काम पड़े आज तक कौन पड़े बोलो सिक्कर में काम जिला में मारे 46 साल का होगा मैं नहीं सर माधव सिंह जी ही चुनाव जीतेंगे और ये जिले वाला मसला भी बिल्कुल हो जाएगा कि माधव सिंह जी खुद चाहते हैं कि आप हाँ जुड़वा देंगे ग्राम पंचायत की आई स्थिति बड़ी है कि सबसे ज्यादा वोट किन्हें मिले माधव सिंह जी के बाद में तो जो आओगे जगह बन मिलेगा और टिकट नहीं मिले जना आपकी बार बाकी जी माधव सिंह जी टिकट मिलेगी तो भी माधव सिंह ने मिलेगा वोट अच्छा नहीं मिले तो भी टिकट मिले माधव सिंह का वोट है ज्यादा
यह वजह है कि मारा गांव की पहचान होगी। आज जो रोड जा रही है ना, या MDR रोड, या महादेव सिंह जी की गेरेडी है, और वे जब केंद्रीय में मंत्री आके तो वह बाकी गेरेडी है यार, पूरी रोड है। और आज चौकड़ी ना अगर जान रहे हैं ना, तो सिर्फ भी रोड की वजह से जान रहे हैं। जैसे बात करेंगे, कुछ लोग और हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चुनावी चर्चा है, सबके विचार हम टटोलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। जी हाँ, बात कर रहा हूँ चौकड़ी में कुंकुम सर राजस्व गाँव में। चौकड़ी गांव और कम से कम 800 वोटर महादेव सिंह जीता को भैया, कम से कम 800 हो, कम से कम ते बाने वोट दे जो नहीं खेरे जो रियल में नहीं नहीं रियल में हकीकत की बात करे होते बहुत तगड़ा माहौल। बात करा नीम का थाना जिला में जोड़ा कोनी 15 किलोमीटर न्यू जिलो होता कोई फर्क कोई पड़े बिसना कोई फर्क पड़े ना ना क्यों बहुत बढ़िया काम करा है। पानी पूनी को टंकियां को सटका को बहुत बढ़िया। कुछ लोग गांव में जब थे, मैं था गांव में बढ़िया, तो यहां सुनवान मिलियो की 15 ग्राम पंचायत में नहीं जोड़ बस कुछ नुकसान है? कोई नुकसान वाला तो कोई फर्क नहीं है। हमारा तो खंडेलो सबसे हर काम हमारा खंडेला में हुआ है। 12 किलोमीटर बड़ा खंडेलो विकास कार्य भी हो थे, माने वोट दे नहीं विकास सर खूब छे कोई दो चार गिना। तो मेरी बात सुनो, हां एक तो महात्मा गांधी स्कूल खुला दी नहीं, सीनियर सेकंड बच्चे की लड़के की चीज 8वीं से पहले बस सीनियर कर दी नहीं। दूसरे प्राथमिक स्वास्थ्य पशु चिकित्सा केंद्र खोल दियो, एक दो रोड बना दी नहीं, एक हनुमान नगर की रोड बना दी, एक श्याम नगर की। मतलब बागा कार्य से खुश हो रहा हूँ, खुश सा खुश सा। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दी महादेव सिंह, थे चौकड़ी गए चौकड़ी गए एक नंबर बात। तो जी हम बात कर रहे हैं पूरी थारी ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा वोट कौन सी पार्टी ने? अजी 800-900 वोटा से महादेव सिंह जीत रहा है चौकड़ी, 800 अब की बार भी मन तो गई साल अंधेरा वोट दे रहा है, जो कैसी पर चलेगा तो हाथ मत अंधेरा में अंधेरा में बैठे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। राम राम जी। कौन सा गाँव का साहब? हाँ चौकड़ी का गाँव। चौकड़ी का टाइम पास कर रहे हो ना? हाँ टाइम पास कर रहा था। चुनाव की कहीं चर्चा है जी बात कर रहे हैं? चुनाव की चुनाव की साइट है तो की का बारे में पूछ बताओ जी, बताओ तो ये बताओ गांव की स्थिति कहीं है, सबका बारे में बता दो। गांव की सुभाष मिल की स्थिति बढ़िया, पिछली बार विधानसभा चुनाव में कितना वोट जी आया? गणाया जाता दूसरा नंबर पर था, दूसरा नंबर पहला नंबर पर कौन जो पहला नंबर तो महादेव सिंह जीते ही चौक। अच्छा 88 भी वोट आगे चाहता? हां 88 भी कहीं चाहता। तो 5 साल में विकास कार्य भी होगा था कौन है साहब? बिल्कुल जाति का सबसे ज्यादा वोट चेट है अब जार तो सभी एसी एसटी काफी सैनी भी काफी है मिल सके थारे हिसाब से मिल लो मिल मिल की कुर्सी पार्टी के लिए रहना टिकट कांग्रेस कांग्रेस पक्की है पक्की से साहब क्यों दादाजी कौन सा गांव का जो हटा गए जो कहीं दो चौकड़े में चुनाव की चुनाव की बढ़िया चल रही है नहीं आगे कौन सी पार्टी का ज्यादा वोट है मील का जो पार्टी उट्टी को मालूम होगा नहीं पार्टी वाल्टी को बेरे नहीं टिकट मिल चीज ना मालूम पड़ेगा टिकट कौन सा मिल जाएगा थारे साहब बीजेपी की नहीं मिल जाए बीजेपी की तो बंशी जी ने मिला बंशी जी की और कांग्रेस की तो अब 50-50 कोई सही हिसाब किताब कोई सा नहीं मिल सके तो जहाँ कांग्रेस तो कोई बड़ो विरोध प्रदर्शन को नहीं हो था गए थे जहाँ जिला में नहीं जोड़े जाना कहीं वजह हुई है बड़ो विरोध प्रदर्शन को नहीं हो अरे तो विरोध पर कहीं से कर रहे हैं जाजार को ले रही कोई बड़ा दलाल चल गया बड़े बिगत दलाल छा गए अच्छा अच्छा कपड़े चल गया भी मीटिंग में आए गहलोत अच्छा बड़े चल गया बिगत दलाल ही चल गया मान तो कौन ले कौन गया अच्छा अच्छा तो ले रही कौन बड़े वो तो उठाओ कौन तो मैं तो कट्टर कांग्रेस ही जाऊं।